आयुष प्रक्षेत्र के संविदा आधारित चयनित स्वास्थ्य पदाधिकारियों को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। योगा ऐप भी करेंगे लॉन्च। पलामू, हजारीबाग, कोडरमा और पूर्वी सिंहभूम जिले में अलग अलग हादसे में पानी में डूबने से 8 बच्चों की मौत। मुख्यमंत्री ने जताया शोक। राज्य के अधिकांश इलाके में अगले 48 घंटों में हल्की बारिश की संभावना। 7 जिलों में बारिश की स्थिति में सुधार। जलाशयों के जलस्तर में बढ़ोतरी। और झारखंड राज्य ताइक्वांडो प्रतियोगिता संपन्न। चतरा बना ओवरऑल चैंपियन। हजारीबाग को दूसरा और रांची को मिला तीसरा स्थान। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें झारखंड। इस वक्त की तमाम ताजा तरीन और अहम खबरों को लेकर हाजिर मैं राहुल शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की खबर से। हेमंत सोरेन झारखंड आयुष प्रक्षेत्र के संविदा आधारित चयनित सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारियों को अब से थोड़ी देर बाद नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। रांची के प्रोजेक्ट भवन में आयोजित समारोह के दौरान मुख्यमंत्री 186 चयनित आयुष चिकित्सकों को नियुक्ति पत्र सौंपने के साथ ही योगा ऐप भी लॉन्च करेंगे। इन चिकित्सकों की नियुक्ति राष्ट्रीय आयुष मिशन के तहत की गई है और इनकी नियुक्ति से स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार आने की उम्मीद है। झामुमो विधायक बसंत सोरेन के मामले में चुनाव आयोग अब 29 अगस्त को सुनवाई करेगा। इससे पहले आयोग ने बसंत सोरेन के मामले में सुनवाई के लिए आज की तिथि निर्धारित की थी, लेकिन चुनाव आयोग ने बसंत सोरेन के खनन लीज से जुड़े मामले की सुनवाई के लिए 29 अगस्त की तारीख मुकर्रर कर दी है। गौरतलब है कि विधायक बसंत सोरेन के खिलाफ भाजपा ने पद का दुरुपयोग करने की शिकायत करते हुए झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस को ज्ञापन सौंपा है। भाजपा नेताओं के द्वारा दिए गए ज्ञापन में मांग की गई है कि बसंत सोरेन को अयोग्य घोषित किया जाए। इधर देशभर में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 9531 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस अवधि में 11726 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। इधर झारखंड में भी कोरोना से जंग जारी है और पिछले 24 घंटे के दौरान अनेक कोरोना वीरों ने इस महामारी को शिकस्त दी है। रांची में इस अवधि में 10 मरीजों की पुष्टि हुई है, जबकि 9 मरीजों ने कोरोना को हरा दिया है। जिले में अब कोरोना के 43 एक्टिव केसेस शेष हैं। कोरोना के खिलाफ जारी जंग में देश में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अब तक कुल 2,10,06,00,000 से ज्यादा कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने रांची जिले के कांके प्रखंड स्थित बोड़िया में अपने घर में तिरंगा लगाने के क्रम में करंट लगने से 3 बच्चों के खोने वाले परिजनों से मुलाकात की। उन्होंने परिजनों को 15,00,000 रुपए की आर्थिक सहायता और परिवार के एक सदस्य को अनुबंध के आधार पर तत्काल नौकरी दिलाने का भरोसा जताया। देखिए, जो सरकारी प्रावधान है उसके अनुरूप तो परिवार को पूरी मदद और बहुत जितनी जल्दी हो सके की जाएगी। मैं एक मानवता के नाते इतनी हृदयविदारक घटना, इतना बड़ा दुखों का पहाड़ इस परिवार पर टूटा है और वो भी ऐसे होनहार 3 बच्चे असमय काल के गाल में समा गए। तिरंगा लगाने के छत पर गए थे और 3 की मृत्यु एक साथ हो गई, तो इस परिवार पर जो दुख का पहाड़ टूटा है उसकी भरपाई तो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे निर्देश दिया कि जाकर पीड़ित परिवार से मिलकर और उन्हें सांत्वना देने के लिए और उन्हें ये आश्वस्त करने के लिए कि पूरी सरकार उनके साथ खड़ी है और जो भी प्रावधान के अनुरूप जो कि सहायता है वो परिवार को बहुत जल्द 5,00,000 रुपए का जो इनकी
सहायता राशि है वो एक दो दिनों के अंदर उपलब्ध कराए दूंगी। परिवहन मंत्री चंपई सोरेन ने सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र में बारिश से उत्पन्न बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया और उन्हें प्रभावित लोगों से मिलकर उन्हें हर संभव सहयोग करने का भरोसा जताया। इस दौरान उन्होंने गम्हरिया के अंचल पदाधिकारी को प्रभावित लोगों को जल्द से जल्द मुआवजा दिलाने का निर्देश दिया। को बोल दिया था फोन से कि हम बाहर में था रांची मीटिंग में था शाम को वहीं से मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं और आज थोड़ा बाढ़ के पानी जो कम होने लग गया इसीलिए हम क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं। किसका आईडी किसका है? प्रशासन का हम निर्देश दे चुके हैं कितना क्षति हुआ नहीं हुआ आकलन करिए आप लोग। इधर गोड्डा जिले के बुआरीजोर क्षेत्र स्थित ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड ईसीएल के राजमहल कोयला खदान क्षेत्र में कोयला खनन को लेकर चल रहा गतिरोध जारी है। विभिन्न मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे पुलिस ग्रामीणों ने कल देर रात कई पुलिस प्रशासनिक और ईसीएल पदाधिकारियों और कर्मियों को बंधक बना लिया। बाद में पुलिस की टीम ने बंधक बनाए गए पदाधिकारियों और कर्मचारियों को ग्रामीणों से मुक्त करवाया। जिले में उपायुक्त और ईसीएल के अधिकारी लगातार ग्रामीणों से बातचीत कर उन्हें समझाने बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। राज्य अलग होने के बाद 22 साल गुजरने वाले और अभी तक जो यहाँ के लोगों के लिए जो मूल चीज है सीएनपीए एसपीपीए 1932 तथ्यान आधारित स्थानीय नीति तथ्यान आधारित नियोजन नीति और ये पैसा है ये आज तक सुरक्षित नहीं रहा जबकि ये यहाँ के आदिवासी मूलवासियों का एक कवच बचाव कवच है और आज यहाँ पर धड़ल्ले से जमीन आदिवासी मूलवासियों की जमीन धड़ल्ले से अभी बिक्री हो रही है। जहाँ जहाँ शहरीकरण हो रहा है वहाँ आदिवासी लोग गुजर रहे हैं इसीलिए तब निकल पड़े हैं ना। हमने सदन के अंदर भी रखा और सदन के बाहर भी रख रहे हैं ये तो हमको सरकार को हम आईना दिखा रहे हैं कि आप इसको करिए। चतरा के पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन को मिली गुप्त सूचना के आधार पर वशिष्ठ नगर थाना क्षेत्र के मोरेनवा मोड़ के समीप से 300 लीटर अवैध स्प्रिट लदा एक चार पहिया वाहन सहित तीन तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही रेकी कर रहे एक अन्य चार पहिया वाहन को भी पुलिस ने जब्त किया है। हालांकि तस्करी का मास्टरमाइंड पुलिस को चकमा देकर भागने में कामयाब रहा। हटिया स्टेशन पर चलती ट्रेन से उतरने के क्रम में पैर फिसलने के बाद एक किशोर ट्रेन के नीचे चला गया। आनन फानन में गार्ड ने ट्रेन रुकवाई और स्टेशन पर मौजूद आरपीएफ के जवान दौड़े किसी तरह से उसे खींचकर निकाला गया। इस दौरान बच्चे को मामूली चोट लगी है। इससे पहले बच्चे की मां और पिता भी चलती ट्रेन से उतरने के दौरान फिसल कर प्लेटफॉर्म पर गिर गए। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ये तीनों अपने परिजन को छोड़ने स्टेशन आए थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन के नाम से फर्जी ट्विटर अकाउंट बनाने का मामला सामने आया है। इस संबंध में रांची के गोंदा थाने में मुख्यमंत्री हाउस की ओर से लिखित शिकायत दर्ज कराई गई है जिसमें बताया गया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन का फोटो का इस्तेमाल कर ट्विटर अकाउंट हैंडल किया जा रहा है। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है।
इधर पलामू, हजारीबाग, कोडरमा और पूर्वी सिंहभूम जिले के अलग अलग हादसों में पानी में डूबने से 8 बच्चों की मौत हो गई है। पानी में डूबने से पलामू और हजारीबाग जिले में 3-3 बच्चों की मौत हुई, जबकि कोडरमा और पूर्वी सिंहभूम जिले में 1-1 बच्चे की मौत हुई है। हजारीबाग के सदर प्रखंड अंतर्गत अंबाडी स्थित रहदा नदी में कल शाम 3 बच्चे पानी में डूब गए। वहीं पलामू जिले के सतबरवा थाना क्षेत्र में कल शाम ग्रेफाइट माइंस में डूबने से 3 बच्चों की मौत हो गई। उधर कोडरमा थाना क्षेत्र के लोकाई गोसाई टोला स्थित एक तालाब में नहाने के क्रम में 1 बच्चे की मौत हो गई, जबकि 3 बच्चे सुरक्षित बाहर निकाल लिए गए। इधर पूर्वी सिंहभूम जिले के चाकुलिया में गड्ढे में डूबने से 1 बच्ची की मौत हो गई। मुख्यमंत्री ने पानी में डूबने से बच्चों की हुई मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया है। इधर चतरा जिले के टंगवा थाना क्षेत्र के गाड़ी लौंग स्थित सतबहनी नदी में नहाने के दौरान 3 बच्चे डूब गए। स्थानीय ग्रामीणों के प्रयास से 2 बच्चों को सुरक्षित निकाल लिया गया, जबकि 1 बच्चे की तलाश अब भी जारी है। जमशेदपुर में पिछले दिनों हुई लगातार बारिश का असर टाटा जूलॉजिकल पार्क में भी देखने को मिला। पार्क के निचले इलाके में पानी भर जाने के कारण 1 तेंदुए की डूबने से मौत हो गई, जबकि मादा तेंदुआ ने पेड़ पर चढ़कर किसी तरह अपनी जान बचाई। इस बारिश से पार्क में रहने वाले अन्य जानवरों पर भी असर पड़ा है। इधर राज्य के अधिकांश इलाकों में कल से 25 अगस्त तक बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची की ओर से इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। राज्य में पिछले 3-4 दिनों से संथाल परगना को छोड़कर अन्य जिलों में बारिश की स्थिति सुधरी है। राज्य में अब सामान्य से 26% कम बारिश हुई है। झारखंड में अब तक 532 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है, जबकि सामान्य तौर पर 721 मिलीमीटर 1 जून से लेकर अब तक बारिश हो जानी चाहिए थी। दूसरी तरफ राजधानी रांची में लगातार 3 दिनों की बारिश से कई डैमों का जलस्तर बढ़ गया है। रांची के 3 डैम कांके, रुक्का और हटिया डैम में अब पर्याप्त पानी हो गया है। ऐसे में अगले 1 साल तक बिना राशनिंग के शहर में जलापूर्ति की जा सकती है। जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में श्री कृष्ण जन्माष्टमी आयोजन समिति की ओर से रांची में कल शाम दही हांडी फोड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में पुरुषों की 8 और महिलाओं की 2 टीमों ने हिस्सा लिया। महिला विजेता टीम ने मात्र 35 सेकंड में मटकी फोड़ दी। भुवनेश्वर धनबाद भुवनेश्वर त्रि साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन का परिचालन कल से 27 सितंबर तक होगा। यह ट्रेन प्रत्येक मंगलवार, शुक्रवार और रविवार को भुवनेश्वर से प्रस्थान करेगी। ट्रेन भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन से रात्रि 8:25 पर खुलेगी। इसके बाद ट्रेन अंगुल, संबलपुर सिटी, झारसुगड़ा, राउरकेला, हटिया, रांची, मूरी, बोकारो होते हुए सवेरे 10:55 पर धनबाद पहुंचेगी। चतरा में आयोजित झारखंड राज्य ताइक्वांडो प्रतियोगिता कल संपन्न हो गई। इस प्रतियोगिता में चतरा की टीम ओवरऑल विजेता घोषित की गई, जबकि हजारीबाग दूसरे और रांची की टीम तीसरे स्थान पर रही। प्रतियोगिता में राज्य के 8 जिलों के करीब 250 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। विजेता खिलाड़ियों को जिला परिषद के अध्यक्ष ममता देवी और SDPO अविनाश कुमार, इसके अलावा DSP केदार राम ने शील्ड मेडल और सर्टिफिकेट प्रदान किया। प्रिया कुमारी, प्रिया कुमारी धन्यवाद सर। प्रतियोगिता चैंपियनशिप थी तो उसी में मुझको जो है जिला चतरा के ताइक्वांडो संघ ने आमंत्रित किया था, तो यहाँ पर आकर के मैंने बच्चों का हौसला अफजाई किया, उत्साहवर्धन कराया और ये भी कहा कि खेल कूद बहुत ज़रूरी है सकारात्मक तौर पे ऊर्जा को लगाने के लिए। आप जानते हैं कि चतरा में नशा युवाओं को अपनी चपेट में ले रहा है, तो ऐसे में खेल कूद जैसे का प्रतियोगिता का आयोजन होने से एक अच्छी मैसेज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस महीने की 28 तारीख को आकाशवाणी से प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम के लिए लोगों से सुझाव मांगे हैं। रेडियो पर मासिक कार्यक्रम मन की बात की यह 92वीं कड़ी होगी।
मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो सुनिए इस महीने 28 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात। और अब कुछ खबरें राज्य के विभिन्न जिलों से। साहेबगंज के सर्किट हाउस में विधानसभा की सदाचार समिति के सभापति सह जमुआ विधायक केदार हाजरा की अध्यक्षता में बैठक हुई। समिति के अध्यक्ष ने विभागवार लंबित पेंशन संबंधित मामलों, स्थापना संबंधित मामले, मानवाधिकार से जुड़े मामले और अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के मामलों की समीक्षा करते हुए जरूरी निर्देश दिए, साथ ही संबंधित विभाग से इस संबंध में प्रतिवेदन प्राप्त किया। साहेबगंज जिले में आजादी का अमृत महोत्सव के तहत जिला प्रशासन द्वारा विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत जिले के बिजली घाट में भजन संध्या और गंगा आरती का आयोजन किया गया। साहेबगंज जिला प्रशासन द्वारा आकांक्षी जिला अंतर्गत नीति आयोग के निर्देश के आलोक में 9 प्रखंडों के वेटनरी अस्पतालों के लिए बाइक एम्बुलेंस प्रदान किया गया। पशु चिकित्सा की पहुंच बढ़ाने और बीमार पशुओं का जल्द से जल्द उपचार सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से बाइक एम्बुलेंस प्रदान की गई है। खूंटी के उपायुक्त की अध्यक्षता में जिले के विभिन्न प्रखंडों में झारखंड राज्य फसल राहत योजना के सफल क्रियान्वयन को लेकर प्रखंड स्तरीय समन्वय समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में सभी कृषक मित्रों को उचित कार्ययोजना के आधार पर ग्राम स्तर पर व्यापक जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए गए। चतरा जिले के वशिष्ठ नगर थाना पुलिस ने विशेष छापेमारी अभियान चलाकर अवैध स्प्रिट के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। वाहन जांच के क्रम में इन अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। गुमला जिले के घाघरा थाना क्षेत्र के आदरपुढ़ा गांव में एक घर की दीवार गिरने से परिवार के 4 सदस्य घायल हो गए। घायलों में पिता पुत्री की हालत गंभीर बताई जा रही है और उन्हें सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय ने अपने विधानसभा क्षेत्र में बाढ़ पीड़ितों को राहत पहुंचाने के लिए विभिन्न क्षेत्रों का दौरा कर राहत अभियान चलाया। उन्होंने नदी तटीय क्षेत्रों का दौरा किया और बाढ़ पीड़ितों के लिए रसोई की व्यवस्था की। पूर्वी सिंहभूम जिले के चाकुलिया प्रखंड के मालकुड़ी गांव में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 8 डॉक्टरों की दवाएं 407 मरीजों को स्वास्थ्य जांच के तहत दी गई और उनका चिकित्सकीय सलाह किया गया। भारत सरकार के प्रमुख उद्यम राइट्स लिमिटेड के सहयोग से स्वयंसेवी संस्था सिटीजन्स फाउंडेशन द्वारा यह स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया गया था। राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष हिमांशु शेखर चौधरी और सदस्य शबनम परवीन 22 और 23 अगस्त को बोकारो जिले के भ्रमण पर रहेंगे। इस दौरान आयोग द्वारा लंबित मामलों की सुनवाई के अलावा सभी पंचायतों के मुखियाओं से संवाद एवं जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। लातेहार जिले के चंदवा स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पौधारोपण कार्यक्रम हुआ। यह कार्यक्रम लायंस क्लब ऑफ चंदवा रोरिंग बैनर तले हुआ। इसमें फलदार पौधे लगाए गए। इस अवसर पर जामुन, अमरूद, कटहल और आम के पौधे लगाए गए और सभी से पौधारोपण की अपील की गई। केंद्र सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि यूपीआई से भुगतान और लेन देन सेवाओं पर कोई शुल्क नहीं लगाया जाएगा। वित्त मंत्रालय ने कई ट्वीट संदेश में कहा कि यूपीआई आम लोगों के लिए सुविधाजनक और अर्थव्यवस्था के लिए लाभकारी है। सुविधाजनक है और अर्थव्यवस्था में इसका बड़ा योगदान है। मंत्रालय ने कहा है कि सुविधा उपलब्ध कराने के लिए लागत की वसूली में अन्य विकल्पों पर विचार किया जाएगा। गौरतलब है कि सेवा उपलब्ध कराने के लिए लागत की वसूली में डिजिटल भुगतान का पारिस्थितिकी तंत्र मजबूत करने के लिए सरकार ने पिछले साल आर्थिक मदद का ऐलान किया था। ये मदद इस साल भी जारी रहेगी। वित्त मंत्रालय ने उस खबर का भी खंडन किया है कि रिजर्व बैंक यूपीआई पेमेंट पर MDR चार्ज यानी मर्चेंट डिस्काउंट रेट लगाने पर विचार कर रहा है। भारत और जिम्बाब्वे के बीच 3 एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का अंतिम मुकाबला आज हरारे में खेला जा रहा है।
भारत ने श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है, पहले ही अपने नाम कर लिया है। सीरीज के पहले मुकाबले में भारत ने 10 विकेट से जीत हासिल की थी। इसके बाद दूसरे मैच में भी भारतीय टीम जिम्बाब्वे को 5 विकेट से हराकर सीरीज में अजेय बढ़त हासिल करने में सफल रही थी। अब आज खेले जाने वाले मुकाबले में केएल राहुल की कप्तानी वाली भारतीय टीम की कोशिश सीरीज को क्लीन स्वीप करने की होगी। वहीं पहले ही सीरीज गंवा चुकी जिम्बाब्वे की टीम हार के अंतर को कम करने के इरादे से मैदान पर उतरेगी। हेरिटेज वॉक के इस सेगमेंट में आपको आइए लिए चलते हैं दुनिया के स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर में, जहां पहलगाम में अलौकिक छटा आपको मंत्रमुग्ध कर देगी। साइंस हब के इस अंक में आइए आपको लिए चलते हैं अंतरिक्ष में, जहां से दिखाते हैं सूर्यास्त के अनोखे नजारे को। ऐसा नहीं है कि बारिश से सिर्फ मुश्किलें ही बढ़ी हैं, ये बारिश जलाशयों और नदियों के लिए काफी मुफीद साबित हुई है। जलप्रपातों की भी खूबसूरती इस वजह से काफी ज्यादा बढ़ गई है। रांची और खूंटी जिले की सीमा पर स्थित दशम फॉल की खूबसूरती को इन दिनों 4 चांद लग गए हैं। रांची और खूंटी जिला के सीमा पर स्थित दशम फॉल का नजारा प्रत्येक वर्ष बारिश के मौसम में देखने लायक होता है। राज्य के दक्षिणी तथा आसपास के इलाकों में लगातार तेज हवा और नॉनस्टॉप बारिश ने दशम फॉल की खूबसूरती अचानक और बढ़ा दी है। दशम फॉल में काफी ऊंचाई से चट्टानों से टकराकर गिरती जलधारा और उससे निकलती वाष्पीकरण की प्रक्रिया पर्यटकों के लिए बेहद अद्भुत नजारा पेश कर रही है। भारी बारिश के बावजूद इस नजारे को देखने के लिए जमशेदपुर, रांची और दूर दराज से कई पर्यटक अपने परिवार और दोस्तों के साथ दशम फॉल पहुंच रहे हैं, ताकि उफनती जलधारा को मोबाइल के कैमरे में कैद किया जा सके। आने से कि नहीं बच जाओ, बारिश का मौसम है, ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी करने का जरूरत नहीं है। आप आ सकते हैं, आप रह सकते हैं, आप बहुत चिल कर सकते हैं। दशम फॉल की जलधारा इतनी तेज है कि आसपास का कोई शोर सुनाई नहीं पड़ता, और फिर दशम फॉल की कलकल करती जलधारा ही एक मदमस्त आवाज पैदा करती है जो पर्यटकों का मन मोह लेती है। बेस्ट है, बेस्ट फॉल है यहाँ का। हमारे साथ और भी लोग आए हैं जो कि बच्चों के साथ है, स्टार्ट है। दशम फॉल बरसात के मौसम में पूरी तरह लबालब होकर पर्यटकों के लिए बेहद आकर्षक दृश्य बनाती है, लेकिन इस मौसम में पानी का तेज बहाव पर्यटकों के लिए काफी खतरनाक बन जाता है, जिससे सतर्क रहना भी जरूरी है। साल में 1-8 बार होता है, इन साल 2 दिन हुआ है, आज 13 जुलाई को भी हुआ था इसे और आज भी हुआ है। दशम फॉल में चट्टानों से टकराकर गिरती जलधारा निश्चित रूप से बेहद मनोरम नजारा पेश करती है, जो हर किसी के लिए देखने और अनुभव करने की चीज है। दूरदर्शन के लिए ज्योत्सना की रिपोर्ट। रांची के गुंजन गुप्ता मूक बधिर बच्चों के लिए निशुल्क विद्यालय चलाते हैं।
विद्यालय के खर्च के लिए वे और उनके पति पापड़ का व्यवसाय करते हैं। दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने मानव कल्याण के वास्ते अपना संपूर्ण जीवन ही लगा दिया है। रांची की गुंजन गुप्ता भी ऐसी ही एक शख्सियत हैं। गुंजन बीते करीब 9 वर्षों से मूक बधिर बच्चों के लिए विद्यालय चलाती हैं, वह भी निःशुल्क। पेरेंट्स की जिम्मेवारी बच्चों को केवल विद्यालय तक छोड़ने की होती है। इस विद्यालय की शुरुआत तो उनके अपने घर से ही हुई, लेकिन कुनबा बढ़ा तो वहां जगह कम पड़ने लगी। काफी मशक्कत के बाद जिला प्रशासन ने इन्हें वर्षों से बंद प्राथमिक विद्यालय का एक पुराना भवन मुहैया कराया, जहां अब इन नौनिहालों की खिलखिलाहट गूंज रही है। ये स्कूल मेरा 2009 से चल रहा है, 2009 से ही हम शुरू किए थे, लेकिन क्योंकि उस समय और कहीं जगह नहीं था तो हम अपने घर के छत पे चलाते थे, और ये भवन बहुत दिन से खाली था स्कूल, तो इसके लिए डीसी सर को लेटर दिए हुए थे, तो अभी ये हमको मिला है। गुंजन ने इन बच्चों की सुविधा के लिहाज से ब्रेल लिपि की भी शिक्षा ली है। विद्यालय संचालन पर आने वाले खर्च की बात करें तो कुछ लोगों ने शुरुआती दिनों में थोड़ी मदद जरूर की, लेकिन धीरे धीरे सब ने हाथ खींच लिया। अब स्कूल का खर्च चलाने के लिए गुंजन और उसके पति खाली वक्त में पापड़ का निर्माण करते हैं। सीढ़ी के ऊपर था तो उसमें बच्चों को आने जाने में दिक्कत भी था, और ये नीचे जाने से हमको, और बच्चे भी ज्यादा हो गए थे तो वहाँ रखने में भी दिक्कत हो रहा था, इस वजह से ये मिल गया है तो थोड़ा सा मेरे लिए तो ठीक है। यहाँ बच्चे कई मामले में विशेष और कई विषयों में दक्ष भी हैं। पढ़ाई हो या ड्राइंग, योग व्यायाम हो या फिर खेल, वक्त आने पर अपना कौशल दिखाने से नहीं चूकते। कई बच्चों ने तो राष्ट्रीय स्तर पर मेडल और सम्मान भी पाया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत। अन्य खबरों के लिए आप देखते रहिए दूरदर्शन झारखंड। लेकिन चलते चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आयुष प्रक्षेत्र के संविदा आधारित चयनित स्वास्थ्य पदाधिकारियों को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र, योगा ऐप भी करेंगे लॉन्च। पलामू, हजारीबाग, कोटरमा और पूर्वी सिंहभूम जिले में अलग अलग हादसे में पानी में डूबने से 8 बच्चों की मौत, मुख्यमंत्री ने जताया शोक। राज्य के अधिकांश इलाकों में अगले 48 घंटों में हल्की बारिश की संभावना, 7 जिलों में बारिश की स्थिति में सुधार, जलाशयों के जलस्तर में बढ़ोतरी। और झारखंड राज्य ताइक्वांडो प्रतियोगिता संपन्न, चतरा बना ओवरऑल चैंपियन, हजारीबाग को दूसरा और रांची को मिला तीसरा स्थान।